स्कूलों में परीक्षाओं की दस्तक से ठीक पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी छात्रों को तनाव से बचने के गुर सिखाएंगे। आज दिल्ली में छात्रों के लिए लिखी गई पीएम मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स का विमोचन किया जाएगा। विदेश मंत्री सुषमा स्वराज और मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर पीएम मोदी की किताब का विमोचन करेंगे। किताब खासतौर पर 10वीं और 12वीं के छात्रों में परीक्षा के दौरान होने वाले तनाव को ध्यान में रखकर लिखी गई है। ये वो किताब है प्रधानमंत्री मोदी की, जिसका कवर पेज आप देख सकते हैं कितना कलरफुल इसे बनाया गया है, और इसमें परीक्षा के दौरान छात्रों को तनाव से बचने के लिए खास टिप्स दिए गए हैं। प्रकाशक के मुताबिक किताब में पीएम मोदी के न्यू इंडिया और उसमें युवाओं के भविष्य की झलक दिखाई देगी। आज दोपहर 4:15 दिल्ली के चाणक्यपुरी में प्रवासी भारतीय केंद्र में इस किताब का विमोचन किया जाएगा। छात्रों को पीएम की टेंशन फ्री एग्जाम की टिप्स प्रधानमंत्री मोदी की किताब में दिए जाएंगे, और छात्रों के लिए पीएम मोदी ने लिखी है एग्जाम वॉरियर्स नाम की ये किताब। मन की बात कार्यक्रम में एग्जाम पर चर्चा के बाद ये किताब लिखी। पीएम मोदी अपने कार्यक्रम में अक्सर छात्रों को टिप्स देते रहते हैं। छात्रों को परीक्षा के दौरान तनाव मुक्त रहने की टिप्स इस किताब में दी जाएंगी। सुषमा स्वराज और प्रकाश जावड़ेकर इस किताब का विमोचन करेंगे। आज 4:15 इसका विमोचन होगा, और इस किताब में 10वीं और 12वीं के छात्रों को फोकस में रखा गया है, बोर्ड के एग्जाम्स जिनके होते हैं। किताब के कवर पेज पर पीएम मोदी और बच्चों की तस्वीर देखी जा सकती है। और पीएम की चिंता बेवजह नहीं है, लगातार बढ़ रहा है तनाव छात्रों में। खुदकुशी का आंकड़ा हम आपको बताते हैं क्यों पीएम की चिंता बेवजह नहीं है। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो के मुताबिक 2015 में 8,934 युवाओं ने खुदकुशी की। इंटरनेशनल संस्था लैंसेट की रिपोर्ट में 15 से 29 साल के सबसे ज्यादा युवा भारत में खुदकुशी करते हैं। ये बेहद चिंताजनक आंकड़ा, प्रधानमंत्री मोदी की चिंता बेवजह नहीं है। पीएम मोदी की किताब एग्जाम वॉरियर्स जो आज रिलीज होने वाली है, उसका कवर हम आपको दिखा रहे हैं। मन की बात में भी प्रधानमंत्री मोदी इस विषय पर चर्चा कर चुके हैं, और अक्सर बच्चों को भी वो अपने कार्यक्रम में संबोधित करते हैं और एग्जाम से निपटने के टिप्स भी देते हैं। सुनिए। युवा दोस्तों, विद्यार्थियों में भी कई प्रकार होते हैं। कुछ लोग कितनी परीक्षाएं क्यों ना आए, बड़े बिंदास होते हैं, उनको कोई परवाह ही नहीं होती। और कुछ होते हैं जो परीक्षा के बोझ में दब जाते हैं, और कुछ लोग मुंह छिपा करके घर के कोने में किताबों में फंसे रहते हैं। इन सब के बावजूद भी परीक्षा परीक्षा है, और परीक्षा में सफल होना भी बहुत आवश्यक है, और मैं भी चाहता हूं कि आप भी सफल हो। लेकिन कभी कभी आपने देखा होगा कि हम बाहरी कारण बहुत ढूंढते हैं। ये बाहरी कारण हम तब ढूंढते हैं जब खुद ही कंफ्यूज हो, खुद पर भरोसा न हो। जैसे जीवन में पहली बार परीक्षा दे रहे हो, घर में कोई टीवी जोर से चालू कर देगा और आवाज आएगी तो भी हम चिड़चिड़ापन करते होंगे, माँ खाने पर बुलाती होगी तो भी चिड़चिड़ापन करते होंगे, दूसरी तरफ अपने किसी यार दोस्त का फोन आ गया तो घंटे भर बातें भी करते होंगे। आपको नहीं लगता है कि आप स्वयं अपने विषय में ही कंफ्यूज हैं? दोस्तों, खुद को पहचानना बहुत जरूरी होता है। तो प्रधानमंत्री मोदी के रेडियो कार्यक्रम मन की बात का वो अंश आपने सुना, जिसमें उन्होंने इसी मुद्दे पर चर्चा की। छात्रों को टेंशन फ्री रहने के टिप्स दिए प्रधानमंत्री मोदी ने, और ऐसे ही कुछ टिप्स इस किताब में दिए गए हैं। 10वीं और 12वीं के बच्चों को फोकस में रखकर ये किताब प्रधानमंत्री मोदी की एग्जाम वॉरियर्स नाम से आज रिलीज होने जा रही है। प्रकाश जावड़ेकर और सुषमा स्वराज इस किताब का विमोचन करेंगे। एग्जाम वॉरियर्स इस किताब का नाम है, बहुत अट्रैक्टिव। इसका कवर पेज आप देख सकते हैं, और इस किताब में छात्रों को टेंशन फ्री रहने के एग्जाम्स के दौरान टिप्स देंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और प्रणय उपाध्याय हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। प्रणय, प्रधानमंत्री रहते हुए पीएम मोदी ने इस किताब को लिखा है, क्या खासियत है इस किताब की? देखिए, ये प्रधानमंत्री की तरफ से छात्रों से एक सीधा संवाद है, बड़े संवाद शैली के अंदर लिखी गई ये किताब है, जिसके अंदर प्रधानमंत्री ने छात्रों को जो एग्जाम के का टेंशन होता है उससे मुक्त रहने के लिए, उससे दूर रहने के लिए, और एग्जाम को, परीक्षाओं को उत्सव की तरह लेने
के गुण सिखाए हैं, और ये केवल छात्रों के लिए नहीं है बल्कि जो जो इनके बच्चे बोर्ड एग्जाम्स में जा रहे हैं उन परिवारों के लिए भी, और खासतौर पर शिक्षकों को भी इसमें संबोधित किया गया है इस किताब के अंदर। और ये किताब जो है ये प्रधानमंत्री ने मन की बात कार्यक्रम में जब एक बार छात्रों से संवाद किया था उसका ही एक्सटेंशन है, क्योंकि पिछले साल जनवरी में जब मन की बात में उन्होंने इसका उल्लेख किया था तो बाद में प्रधानमंत्री ने को जिस तरह का रिस्पॉन्स मिला इस चीज को लेकर, लोगों ने बहुत सराहा था कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री ने बच्चों को संबोधित किया और एग्जाम के उस क्रिटिकल इश्यूज को एड्रेस करने की कोशिश की, क्योंकि यह इसलिए भी जरूरी है कि 2012 में एक यूके की संस्था ने सर्वे करवाया था जिसमें चौंकाने वाली चीज सामने आई थी कि भारत में 15 से लेकर 29 साल के बच्चों में सुसाइड का रेट सबसे ज्यादा है, और ये बहुत जो है चिंता की बात है, और शायद इसी को एड्रेस करने की प्रधानमंत्री ने कोशिश की थी। उनका कहना था कि युवाओं का और भविष्य का जो भारत है वो तनाव मुक्त हो तो बेहतर होगा ये भारत के भविष्य की, इसी चीज को उन्होंने किताब से एड्रेस करने की कोशिश की है। जी प्रणय, तो मोदी की टेंशन फ्री परीक्षा की कुंजी आज रिलीज होने वाली है। छात्रों ही नहीं टीचर्स को भी संबोधित किया, उम्मीद हम भी यही करते हैं कि आज अगले महीने परीक्षा में बैठने वाले सभी छात्र इस किताब को पढ़ें और तनाव मुक्त हो सके। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।